दोस्तों रात के बज रहे हैं 12 और हम आए हैं, टीबू भाई का बर्थडे है तो उनके ऑफिस में आए हैं हम लोग। यहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड प्राची ने पूरा हाँ वही 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 इंतजाम कर रखा है। तो चलो गाइस चुपचाप से अंकल के खिलौने। भाई इनकी सीढ़ियाँ बहुत सीधी है यार। अरे अंकल जी हेलो यार, नमस्ते 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 नमस्ते। अरे हाँ यार यार चलो चलो आगे आगे गाइस आगे 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 क्या बोलना है गाइस, हैप्पी बर्थडे। ठीक है मम्मी लेके आ रही है उनको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ अंकल आप डेकोरेशन गुब्बारे फोड़ दो हमारे। अरे भाई वो सबसे पहले देख किससे मिले। मैं कमजोर हो गया यार भाई हमारा टीपू यार। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। टीपू के सिनेमैटिक्स बनाओ। ये नहीं फूटा नहीं फूटा। ओह माय गॉड, हमें ऐसा लग रहा हमारा बर्थडे है। अरे अंकल मैंने तो खा लिया, आप खाओ। चल बिगड़ी ये टीपू पे के नीचे छोड़ने आ रहे क्या? हाँ तो भाई नीचे तक छोड़ के आओ हमें। और वो देखो सेटिंग लग रही दोनों आपस में। कल का प्लान है इनका भाई, कोई कहीं डेट वेट पे जा रहे दोनों? जा रहे हैं कैफे में। यार मुझे ना प्राची के पेरेंट्स को इनकी वीडियो भेजनी पड़ेगी बना बना के। असलियत बाहर आनी चाहिए ये गाइस में। सॉरी 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 सॉरी, पेट में लगा, सही लगी, बहुत सही लगी। अच्छा ये ना दूसरा टेक ले रहा हूँ वापस से। पहला टेक मैंने ना SNQ में शूट कर दिया तो स्लोगो में शूट हुआ पूरा 3-4 मिनट का व्लॉग। अभी वापस से शूट कर रहा हूँ मैं, बताता हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये देखो सारा सामान पैक हो चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं 2 दिन के लिए फार्म हाउस के लिए। और गेस व्हाट, आज किसने फार्म हाउस बुक करा है? लखन भाई ने। वो भी फार्म हाउस पे 2 दिन के लिए चिल करने आ रहे हैं जयपुर। और गुची पहली बार आ रहा है किसी ट्रिप पे और वो भी बताओ जयपुर आ रहा है। देखो उनके लिए जयपुर कितना लकी है, एक शादी भी जयपुर में करी, गुची को भी जयपुर मिला है, अपने पहले बच्चे को भी वो जयपुर ही लाएंगे। और जयपुर ऊपर से उनका भाई भी जयपुर ही रहता है तो क्या सबसे बेस्ट जगह उनके लिए जयपुर है, इसलिए इम्पोर्टेंट। लखन भैया अपने मतलब बचपन में राजस्थान में भी तो खूब रहे। हाँ तो उनके लिए जयपुर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि भाई मुझे मिलने वाला है आज मेरा बर्थडे का गिफ्ट। लेकिन उसकी ये शर्त है कि मुझे यहाँ से केक लेके जाना पड़ेगा। उन्होंने साफ बोला कि भाई केक लाएगा तो तेरे को बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगा, केक नहीं लाएगा तो फिर नहीं मिलेगा। तो सही है, तो फिर तो मेरा बर्थडे की मैं ही लाऊं तो तुम लोग ले लेना ना यार रास्ते में। तू भी ले सकता है, तेरे लेने में क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, चल मेरे को गिफ्ट मिल रहा है, मैं 2 केक ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चले मानू, ये अपना सारा सामान, ये हमारी मम्मियों के लिए चॉकलेट चिप्स, ये हम लोग घर पे देते हुए जाएंगे। घर से मुझे बस 1-2 लोअर वगैरह लेने हैं, वो मेरे पास है नहीं पूल में कूदने के लिए, वो लेने हैं। और ये भाई इन डॉक्यूमेंट्स को रख ले, ये तो अभी ये लेके चलना है पूरा का पूरा। हाँ सील वगैरह लेके चलने, अभी रास्ते में सबमिट करते जाऊंगा। हाँ ये देखो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अभी मेरे को एयरटेल ऑफिस देने हैं क्योंकि मैं सिम ले रहा हूँ तो उसके लिए इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन लगता है। जब फर्म के नाम पे बिल लेते हैं सॉरी फर्म के नाम पे सिम लेते हैं। मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ पर जैसे देखना उसके बाद कैसे रिएक्ट करना है। हाँ ठीक है, आ रहा है, सही आ रहा है। सरप्राइज 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 सरप्राइज। तो अभी यशिमी को गए कुछ, उनको शैम्पू वगैरह कुछ लेना था तो यहाँ से ले रहे हैं। वो नीतू दी लाना भूल गई शायद उसके लिए। और इसी के साथ सामने है बेकरी जहाँ से मुझे लेना है केक और साथ में कुछ अच्छे सी चीजें। 2 दिन फार्म हाउस जा रहे हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक चिप्स कुरकुरे तो होने बहुत जरूरी है, वो मैं लेके चलूंगा। बाकी सही बताऊं तो ना ये मुझे लग रहा है इस मौसम की चपेट में मैं भी आ गया हूँ। हल्का हल्का थोड़ा सा फील हो रहा है मुझे यार कि तबीयत खराब हो जाएगी अब यार, 2 दिन फार्म हाउस से मजे करने और मेरी हालत ऐसी हो रही है यार, तबीयत बहुत गलत टाइम पे खराब होती है यार। ये मेरे दोस्तों मेरे लिए केक ले लेता हूँ। कौन सा वाला ले? ये ले लेते हैं, तेरे लिए परफेक्ट है, प्रिंसेस वाला लग रहा है। अच्छा सुन इधर, मैं दिखाऊं केक और मुझे पार्टी पॉपर भी चाहिए, लगना चाहिए सेलिब्रेशन हो रहा है मेरा। खा लेना तो कुछ दूसरी सारी चीजें हैं। हाँ पार्टी पॉपर ले ले, 2 ले ले 2। ये वाला तो मत लेना, ये फूटते ही नहीं है। भाई जो खाती खाती जा रही है तो कोई शर्म भी नहीं है, बहुत दुख लग रही है। चल चल चल, ओ माय गॉड गाइस, तू ये सीधे बैठो सीधे बैठो। तबीयत कैसी है? ठीक है, पहली बार जीन्स पहनी होगी कोई जिंदगी में, ऐसा लगा? अच्छा लग रहे हो, हाँ अच्छे लग रहे हो। यस ओ माय गॉड, आपको फैंस मिल गए? फिर क्या बोले? फोटो वोटो खिंचवाई? फिर ओ माय गॉड, स्टे करने के लिए बोला?
होटल था उसका पता चल गया। ओहो भाई वो ये आपके रख लो, ये आपके चॉकलेट्स वगैरह रख लो भाई भाई। अच्छा कोई हमारी सुरेश फैमिली से इनको पहचान गया। मैं खड़ा था बस के इंतजार में। अच्छा बाईपास से। हाँ। बोले अंकल मैं काफी देर से सोच रहा हूँ। हाँ। तो अब देखो सुनो, कल मेरे को भी मिले, मैं गई थी झाड़ा लगवाने मंदिर में, तो एक लड़की थी बाहर आई, आंटी आप यशी की मम्मी हो? मैंने कहा हाँ, हाँ। आपकी तबीयत खराब हो रही है? मैंने कहा हाँ। फिर प्लॉट के लिए बधाई दी उसने मेरे को। वाओ लो भाई सुरेश फैमिली तो हर जगह पे ही है, क्या बात है। नहीं बहुत आए आकर के पैर छुए, पैर छू के फोटो वगैरह ली। एकदम से इनको जवान होने का वो आभास हुआ तो ये हो गए। देख लिया इसमें अच्छा लग रहा हूँ। तो तारीफ कर रहे यार, क्या तारीफ भी नहीं करती बोल रे यार। मिकु है ना एकदम मस्त, ये करेगी। हाँ ये बता, एकदम मस्त सुरेश फैशन की शर्ट एकदम मस्त लग रही है। और जींस जींस भी अच्छी लग रही है। जींस सुयश की नहीं। ये टीपू भैया से बातें कर रहे हैं, उनको बर्थडे विश कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये सवालों का दौर चालू। अच्छा तो घर पे क्या कर रहे हो यार? फिर आज तो जन्मदिन है, पार्टी शार्टी मनाते हैं। माता जी ये लो, ये देखो चेन तो देख लेती मेरी अच्छी, थोड़ी सी जल तो लियो। इतनी मोटी ना मेरे पास ना, मैं तो जल्दी जल रही हूँ। अभी हम लोग आए हैं एप्पल स्टोर और यहाँ से ले रहे हैं हम गुची के लिए एक ट्रैकर, जो कि गुची के लगा देंगे और मस्त घूमेगा, फिर हम उसको ट्रैक कर पाएंगे। कहीं भी चला जाता है, भाग जाता है वो, इसलिए ताकि टेंशन फ्री रहे ना कि हाँ भाई ट्रैकर है, अपन को उसकी लोकेशन मिलती रहे। लखन भाई ने मंगवाया ये, एक तेरी भी लगा दूंगा, एक तेरी भी लगा दूंगा। मैं यही बोलने वाली थी, पता है मुझे तेरी बहुत टेंशन होती है ना। वो तो मैं जानती हूँ। ले आया भाई, इसमें चार का सेट है, तीन तो गुची को दे देंगे, एक मेरी इस गुची को लगाएंगे भाई। भाई मेरे को बड़ी टेंशन है तो वो नहीं जा रही। सही बात है, चलो चलते हैं आप सीधे फार्म हाउस। वो लोग भी अभी तक नहीं पहुंचे, हमें लगा था हमसे पहले पहुंचेंगे, लेकिन आराम से आ रहे हैं वो लोग। लखन भी और नहीं आए अभी तक और मुझे बोले थे कि हम अंदर बैठे हुए हैं। मैं उनको पागल बना रहा था। अच्छा लगा, अभी देखते कौन सा वाला है भाई। तीन चार एक साथ है, मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला नहीं करा, वो वाला है शायद, वो वाला है, ये वाला है। सो ये वाला है हमारा फार्म हाउस। अब वो लोग भी रास्ते में ही है, तीन मिनट दिखा रहे थे उनको, तो एक बार देखते हैं कहाँ तक पहुँचे, आने वाले होंगे, दूर से देख लूंगा मैं उनको। आ गई किया दिखे मुझे जाती भी। भाई ये पैसों वाला गेम है गाइस, पत्ते हाँ कसीनो कसीनो। भाभी भाभी ओ भाभी का भाई आशीर्वाद लो, इनका आशीर्वाद। इसमें रखा हुआ है, क्या मैं खोल लूंगी इसको भाई इसको? अरे ओए ये तो देख, देख लो एक्टिंग तो करनी है, पर देख ही लेता हूँ। नहीं नहीं गाइस एलवी एलवी लुइटो क्या भाई जल्दी गाइस तुम कर सकते हो। सूरज को मत मत ले जाओ, सूरज जी मेरे को आवाज लगा दो। ये तो बोल रहे हो तुम, जो बात ही बोल रहे हो। भानु तो डिफेंस में जा नहीं रहा, इसकी टीम मैं, तू बचा ले ना आगे इतनी देर में। अरे भानु, अरे भानु कैप्टन, भाई भानु रे भाई रे, झगड़ा हो गया, जल्दी से जाके लाइक कमेंट फॉलो करो। अब आ भाई भानु, अब नहीं 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 क्या मेरे साथ में सबके साथ फूल गई, ये नहीं जा पा रहा। टाइम तो लीजिए भाई, वो थक गई। दिखा रहा था, दिखा रहा भाई, सूरज बदला लेकर आऊंगी। उसको बहुत मारा है भाई, मैं तो बड़ा खुश था, मेरे दोस्त आए। ओ भाई ये तो पूरी पूरी प्लानिंग करके आए भाई, ये लड़की वालों की कसर पूरी कर रहे हैं शायद ये। मैं थका दिया भाई, आज पूल में सोएंगी रात को देखना। ये दोनों बहनें स्पेशली, ये ननद सासू क्या नाम हो तुम? हाँ ननद भाभी जो भी हो तुम, तुम्हें तो मैं बताऊंगा, रुक जाओ। पानी में गिर जाएगा तो ले ले
गाइस फाइनली इन लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश कर दी। मैंने नीतू दी और पूनम दी दोनों को पटक दिया पूल के अंदर। अब मैं आ गया हूँ ऊपर और पता है नीतू दी ने सबसे प्यारा वाला रूम लिया है इनका, एक पिंक कलर का बहुत ही प्यारा सा रूम है यार। अभी मैं ऊपर छुपा हुआ हूँ क्योंकि इनका अगला टारगेट मैं हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैं बस चेंज कर लूँ ताकि नए कपड़े तो गीले ना हो। तू कैसी बहन है यार। और ले वो जूते पहन के गिरा दिया दीदी को। अरे कैसे भाग गई, कैसे भाग गई। अरे भाई इसी बात मजा आ गया भाई। बेचारी ये भी आई थी नए कपड़े पहन के शूट करेगी कुछ, चली गई बेचारी पूल के अंदर। कोई बात नहीं, होता रहता है गाइस। नौ पे पड़ा एक ही भारी। गाइस मीकू को पकड़ा जा रहा है यहाँ पे। मीकू हेलो। अरे कैसे उठा के डाल रही इसको। अरे ओ मेरी टीम वालों को गिरा रहे, एक एक करके रुक जाओ। हेलो वो गई। अरे वो लुढ़क गई। शाबाश निकू, कैसा लगा? रुक जाओ सालो, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, रुक जाओ। दीदी मेरे को नहीं गिरा पाओगे आप। सही है भाई, लड़कियां ने चालू करा था यही सारी पूल के अंदर है। अरे कैसे देख रहे हैं? नहीं होगा कुछ। चलो। अरे भैया इधर मत फेंको, उस तरफ देखना। अरे अरे आप भी वीडियो बना रहे हो। अरे वो कैसे पटका है? अरे अरे यार ये तो गया, फोन खराब है। भाई अब जाके मेरा नंबर आया नाने का और चेंज करके आया हूँ। पूल में डाल दिया था इन लोगों ने मुझे। अभी तो ये लोग सब शूट कर रहे हैं, मेरी इच्छा हो रही चाय पीने की। भाई चाय बना दो यार मेरे लिए। हाँ चाय बना दो यार। लोग जा रहे हो सलून वालों भाई, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते भाई। भाई वो कल होगा तेरा, हमने डिसाइड कर लिया। आके करोगे? तो वो मैं खोल लूंगा भाई, पीछे से आ जाओ, गिफ्ट खोलेंगे अपन। नहीं यार कल करेंगे इसको, गिफ्ट कल देंगे ना। वो कंटेंट मेरा कल का है, मैं आज वेस्ट नहीं करूंगा यार। मुझे क्यों करंट लग रहा है भाई? मैंने नीतू को छुआ, तू भी करंट लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं संजीव भैया के पास, नीतू दी को हेयर ट्रीटमेंट लेना था, उनको भी थोड़ा हेयर में इशू था उसके लिए जा रहे हैं। और शायद पूनम दीदी भी हेयर कलर कराएंगी, तो इसलिए आज हमारा मिशन है इन लोगों के बालों का ध्यान रखना। अभी हम आ चुके हैं राजा पार्क, आपको लाइट वगैरह देख के थोड़ा समझ आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे आए क्योंकि नीतू दीदी वगैरह सबको भूख लग रही थी, सब लोग ट्रैवल करके आए, फिर हमने एक दूसरे को पानी में डाल दिया, थोड़ा बहुत काम भी कर लिया, उसके बीच में हम खाने को भूल गए थे। तो अभी नीतू दीदी वगैरह सब खा रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत खा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे संजीव भैया के पास। अभी हम खाएंगे चाट पापड़ी और मुझे मोमोज खाने की मन में आ रही। पहले ये बिल्कुल भी मोमोज नहीं खाती मैं, कभी मेरे को कभी पसंद नहीं आए मोमोज, लेकिन मैंने फिर खाए मनाली के अंदर बहुत टेस्टी थे यार। कल परसों इसलिए जो मंगाए थे मम्मी के लिए, वो बड़े टेस्टी थे। तब से बोल रही मोमोज खिला दो, लेकिन हम इसको नहीं खिलाएंगे। नहीं यार नहीं खिलाते ही नहीं है। जब मैं को खाने होंगे तब मैं मंगा लूंगी। कोई भी चीज अगर मुझे चाहिएगी नहीं आएगी, जैसे इसको खुद को चाहिएगी ना वैसे मंगा लेगी। ये देखो ये आ चुकी है जयपुर की गलियों में नीतू दीदी। आई थिंक मैंने कहा जैसे वो आएंगे तो मैं फटाफट यार स्टार्ट करें। आज नीतू दीदी के लिए स्पेशली भेजे सारी जो टेबल्स है सॉरी चेयर्स है वो रिजर्व कर दी। हाँ एग्जैक्टली नीतू दीदी वहाँ हेयर वॉश करा रही है, यहाँ पे पूनम दीदी अपना
ऊपर बहुत ज्यादा शोर हो रहा था और नीतू दीदी और दीदी ना बड़ी वो हो रही थी कंफ्यूज, इसलिए अब हम आ गए नीचे। और वैसे भी पूरा स्पेस जो है वो नया बनने वाला है ना संजीव भैया? यस, और ये आज बुक भी करा ना मैंने आपके लिए कि जैसे आप लोग आओगे तो मैं बुक करके पहले से रख दूं कि कोई दूसरा नहीं आ जाए। एक छोटी सी मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि 10 तो आपको बजनी है। हाँ, तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ओके पूनम दीदी, डन, बाय 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 बाय। फ्लाइट आ चुके हैं और हम लोग ऐसे थोड़ी जल्दी जल्दी में क्योंकि मेरी मीटिंग होनी है। सूरज का फोन आया, उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसको बॉडी पेन वगैरह हो रहा है, तो अभी सामने मेडिकल पे मीकू गई है उसके लिए दवाई लेने। उसका ना सुबह से भी हो रहा था तो मैंने उसको मना किया था फूल वगैरह मजा ना, हालांकि मैं खुद घसीट दी गई, वो एक अलग बात है। पर है ना मतलब यार स्टार्टिंग से वो मुझे कहता कि यार मैं पूल में नहीं जाऊंगा पूल में नहीं जाऊंगा, और जाती है उसकी बैंड बज गई। अभी मेरे भी बाल गीले और मैंने ऐसे बांधे हुए हैं। यूजली जब आपकी तबीयत खराब होती है ना लड़कियों की तो ऐसी होती है गीले बाल बांधने से, क्योंकि क्या होता है फिर वो ठंड है ना सर में जम जाती है। क्या करें यार मौसम भी ऐसा चल रहा है। भानु इज तो फाइन, नीतू दीदी फ्री हो चुकी है, उन्होंने हमें कॉल किया कि जल्दी से आ जाओ। इसको पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है। क्या कर रही है? बातें कर रही है मेडिकल वालों से घड़ी घड़ी। मेडिकल के अंदर घुस गई, अंदर और चली गई। दीदी वगैरह सब फ्री हो गए, बेचारे मेरा वेट कर रहे थे। और बन हो गया कलर? हाँ। और आप हो गया अच्छे से? कब से वेट कर रही हो सही बताना। नींद आ रही है? अच्छा मुझे लगा ये रो क्यों रही है यार। नींद आ रही है। चलो चलो चलो, आपका तो फ्यूज डाउन हो चुका है, ये 10 बजे हो जाता है। बेचारी नीतू दीदी ना सो चुकी थी अंदर से, सो चुकी हमारा वेट कर रही थी। बट ठीक है, कलर भी बड़ा प्यारा हुआ पूनम दी का, और नीतू दी भी बड़ी खुश है। ओ ये मिल गए, हैप्पी बर्थडे यार, हैप्पी बर्थडे। क्या चल रहा है? सही आदमी को याद किया था हमने खाने के लिए। यार दीपू भी आई, आपके बर्थडे की पार्टी है। जा चुके हैं हम फार्म हाउस और अभी बजे रात के 11:30। सूरज क्या हुआ? थोड़ी तबीयत खराब हो गई यार। यार सूरज तू तो तप रहा है, पंखा बंद करना। रुक 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 रुक, गर्म हो रहा है बहुत ज्यादा। लखन भैया, नीतू दीदी, पूनम दीदी चारों सो चुके हैं और हम सब बच जाए तो हम सब खा रहे हैं खाना। यार अब तो मुझे भी ऐसे हो रहा है कि भूख नहीं लग रही, जाके सो जाओ। इग्नोर करा जाएगा इसको। तो हम लोग अभी सो रहे हैं एंड सुबह कल बहुत सारा फन होने वाला है, क्योंकि कल बनेगा सूरज का बर्थडे फिर से उतने ही एक्साइटमेंट के साथ। तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना, और आज का व्लॉग ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।